Hello everyone, in this video I am going to discuss discontinuity of greatest integer function and fractional part. So please note, integer part of x and fractional part of x is discontinuous at all integral points. So let me check continuity at x equal to 2. When x is just smaller than 2, when x is just smaller than 2, integer part of 2 will be 1. ठीक है. Similarly, when x is just larger than 2, integer part of x will be 2. And f of 2 is 2. So here LHL is not equal to RHL, so integer part of x is discontinuous at x equal to 2, and integer part of x is having irremovable discontinuity of finite type. यहाँ पर LHL और RHL की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है. तो जब LHL RHL की वैल्यू फाइनाइट हो लेकिन बराबर नहीं आती हो, तो उसे कहते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फाइनाइट टाइप. ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ. देखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ जी एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जी एक्स, वेयर जी एक्स बी ए वन वन कंटिन्यूस फंक्शन देन एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस, देन एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस टू ऑल पॉइंट्स where gx is integer. But if gx is not 1 1, then draw graph of fx to find points of discontinuities. तो यदि जी एक्स 1 1 है तो आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं. यदि 1 1 नहीं है तो हमको ग्राफ बनानी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, हम समझते हैं. जो ये हमने नोट लिखा है इसको हम समझते हैं अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ रूट एक्स. तो अभी हमने क्या सीखा है, रूट एक्स, देखो रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है. तो ये रूट एक्स का ग्राफ बना हुआ है, आप चेक करिए, तो ये फंक्शन होता है 1 1 फंक्शन, इस तरह से होता है रूट एक्स का ग्राफ. ठीक है, तो रूट एक्स का ग्राफ बना हुआ है तो ये 1 1 फंक्शन होता है. तो रूट इंटीजर पार्ट ऑफ रूट एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस व्हेन रूट एक्स इज इंटीजर, के इज एनी इंटीजर. सो एक्स विल बी के स्क्वायर. तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, जहाँ पर रूट एक्स इंटीजर होगा वहाँ पर इंटीजर पार्ट ऑफ रूट एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस. ठीक है, तो रूट एक्स इंटीजर पार्ट ऑफ रूट एक्स डिसकंटिन्यूस कहाँ पर होगा, 1 पर, 4 पर, 9 पर, 16 पर एंड सो ऑन.
बट प्लीज नोट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो बट वाई, बिकॉज एक्स जीरो माइनस डोमेन में नहीं है, नॉट इन द डोमेन, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, बट व्हेन एक्स टेंस टू जीरो प्लस होगा तो इंटीजर पार्ट ऑफ रूट एक्स क्या होगा, तो ये जीरो आ जाएगा, और एफ ऑफ जीरो क्या होगा, तो इंटीजर पार्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। एल एच एल तो हम निकाल नहीं सकते, आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू सेम होगी, तो हम एफ एक्स को कहेंगे कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो डिसकंटिन्यूटी जो ये मैंने नोट दिखाया है इसमें ध्यान रखिए एंड पॉइंट पर हमें स्पेशली चेक कर लेना होता है, इन बिटवीन द इंटरवल ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा वेयर जी एक्स अटेन इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। तो रूट एक्स जीरो के अलावा सारे इंटीग्रल पॉइंट पर जितने भी रूट एक्स इक्वल टू जहाँ जहाँ रूट एक्स इंटीजर होगा सभी पर डिसकंटिन्यूस होगा, जीरो पर हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट इसका, इंटीजर पार्ट ऑफ ई टू दी पावर एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स कोई इंटीजर के, के कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द बेस ई। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस वेयर इन e टू दी पावर x इज k, दैट इज x इज log 1 टू द बेस e, log 2 टू द बेस e, log 3 टू द बेस e एंड सो ऑन, दीज आर द पॉइंट वेयर इंटीजर पार्ट ऑफ e टू द पावर x इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन थर्ड क्वेश्चन, इंटीजर पार्ट ऑफ log x टू द बेस e, log x टू द बेस e कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, will be discontinuous where log x to the base a is k, where k is any integer, so x will be e to the power k। तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, k की वैल्यू जीरो पुट कर दी, k की वैल्यू वन और माइनस वन, k की वैल्यू वन और माइनस टू एंड सो ऑन, सो दीज आर दी पॉइंट वेयर इंटीजर पार्ट ऑफ log x to the base a is discontinuous। ठीक है, यहाँ पर x कैन बी, k कैन बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, प्रीवियस प्रॉब्लम में e टू द पावर x k के बराबर था तो k मस्ट बी पॉजिटिव। नाउ फोर्थ वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पर होगा, इज डिसकंटिन्यूस वेयर साइन इनवर्स x इज इंटीजर। अब आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू, तो इस इंटरवल में ये वैल्यू होगी माइनस 1.57, ये है 1.57, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो माइनस 1.57 और 1.57 के बीच में इंटीजर वैल्यू आएगी माइनस 1, 0 और 1, तो x आएगा साइन ऑफ माइनस वन, साइन जीरो एंड साइन ऑफ वन, दैट इज माइनस साइन वन, जीरो एंड साइन वन। ठीक है, सिमिलरली इज डिसकंटिन्यूस वेयर टेन इनवर्स एक्स टेक इंटीग्रल वैल्यू, बट वाट अबाउट टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू ओपन इंटरवल, तो इस इंटरवल में कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू आएगी माइनस वन, जीरो एंड वन, तो एक्स क्या हो जाएगा, टेन ऑफ माइनस वन, टेन ऑफ जीरो, टेन ऑफ वन, दैट इज एक्स हो जाएगा माइनस टेन वन, टेन जीरो जीरो, टेन वन,
सो दीज आर दी थ्री पॉइंट वेयर इंटीजर पार्ट ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कॉट इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई. तो कॉट इनवर्स एक्स की इंटीजर वैल्यू क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? वन टू थ्री. तो इंटीजर पार्ट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. वेयर कॉट इनवर्स एक्स इज वन टू एंड थ्री. दैट इज एक्स विल बी कॉट वन कॉट टू कॉट थ्री. इनवर्स फंक्शन आर ऑलवेज वन वन फंक्शन. तो इसमें आपको डायरेक्टली आप इसमें चेक करिए कॉट इनवर्स टेन इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, तो वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं. वैसे तो ये फंक्शन वन वन नहीं होता है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है. पीक आती है जब एक्स स्क्वायर जीरो होगा मिनिमम, तो ये मैक्सिमम आएगा. तो ये ऐसे बेसिकली ग्राफ ऐसे बनता है, एफ एक्स ग्राफ है ये. सॉरी, इसका ग्राफ है टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये डिसकंटिन्यूस एक तो कहाँ पर हो सकता है, देखिए टू प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जहाँ जहाँ इंटीजर होगी. तो इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, लेट से के एज्यूम कर लेता हूँ मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो टू प्लस टू इक्वल टू के इंटू के एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर आ रहा है टू माइनस के अपॉन के. अब के की हम इंटीग्रल वैल्यू पुट करते हैं, तो हम यदि के की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो हम k की वैल्यू वन पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, वन. तो x हो जाएगा प्लस माइनस वन. तो इस पर डिसकन्टिन्यूस है. k इक्वल टू टू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा जीरो, तो x आ जाएगा जीरो. k इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली आप k की वैल्यू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री भी नहीं पुट कर सकते बिकॉज एक्स स्क्वायर विल बी निगेटिव. सो एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस वेयर एक्स इज प्लस माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब एट्थ पार्ट देखिए, ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा? इज डिसकंटिन्यूअस वेयर एक्स स्क्वायर इज के. ध्यान रखिए मैंने पॉजिटिव पार्ट क्लिक किया है, इसका ग्राफ बेसिकली ऐसे ही बनेगा पॉजिटिव साइड में, तो ये वन वन फंक्शन ही रहेगा. तो एक्स आ जाएगा रूट के. तो इंटीजर कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? ये होगा रूट वन रूट टू रूट थ्री रूट फोर एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमने काफ़ी प्रॉब्लम एट प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जहाँ पर फंक्शन जी एक्स वन वन था, तो इंटीजर पार्ट ऑफ जी एक्स को हमने डायरेक्टली चेक कर सकते हैं. जहाँ पर जी एक्स इंटीजर होगा वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा. तो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूस कहाँ पर होगा? जहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर होगी. तो एक्स स्क्वायर के होगा तो एक्स आ जाएगा रूट के बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव. Now, I am going to discuss second question. Find the problems of the, find the points of discontinuities. Question number two. Find the points of discontinuities
फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ 2 sin x वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2π। तो ध्यान दीजिए साइन एक्स फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होता है, साइन एक्स 0 से 2π में 1 1 नहीं होता है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये 1 1 नहीं होता है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा है, हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी +2, मिनिमम वैल्यू होगी -2। अब आप ये तो हो गया 2 sin x का ग्राफ, अब हमको बनाना है इंटीग्रल ऑफ 2। तो हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो ये 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, सभी पर हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बना दीजिए, और जहाँ जहाँ ग्राफ कट कर रहा है वहाँ से आप वर्टिकल डॉटेड लाइन बना दीजिए। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ठीक है, वर्टिकल डॉटेड लाइन बनानी है आपको। अब मैं ब्लू कलर से आपको हाईलाइट करता हूँ रीजन, और फिर रेड कलर से एक्चुअल ग्राफ बनाऊँगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है बिटवीन 0 एंड 1, है कि नहीं। तो 0 और 1 के बीच में इंटीजर पार्ट कितना होगा, 0 और 1 के बीच में इंटीजर पार्ट होगा 0। तो इस पोर्शन का जो इंटीजर पार्ट है वो मैंने रेड कलर से बनाया। ठीक है, अब आगे क्या देखिए, ये पोर्शन है 1 और 2 के बीच में, ये वाला पोर्शन ब्लू जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा, इसका इंटीजर पार्ट होगा 1 और 2 के बीच में 1 होता है, बट 2 वाले पॉइंट पे बस 2 वैल्यू होगी। तो ये मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ, इस पॉइंट पर वैल्यू है 2, अदरवाइज वैल्यू है 1। ठीक है, इसके बाद में वैल्यू है 1 और 0 के बीच में, तो इसका इंटीजर पार्ट होगा, इसका इंटीजर पार्ट होगा 0। ये बना दिया रेड कलर से मैंने। ठीक है, फिर अगेन देखिए पोर्शन नेक्स्ट आगे का देखिए, तो ये वैल्यू है -1, 0 और -1 के बीच में, तो इसका इंटीजर पार्ट आएगा -1। ठीक है, फिर देखिए आगे जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वैल्यू है -1 और -2 के बीच में, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा, तो इसका इंटीजर पार्ट आएगा, इस पोर्शन का इंटीजर पार्ट आएगा -2। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोर्शन देखिए, वो नेक्स्ट पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन है -1 और 0 के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में इंटीजर पार्ट होगा -1, और 2π पर वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर पार्ट ऑफ 2 sin x, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर पार्ट ऑफ 2 sin x। तो इससे क्लियर है कि 2 sin x, पहले तो ये काउंट कर लीजिए कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर है, इसका आंसर है 7। ठीक है, अब क्या हम इसका कोई शॉर्टकट डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। देखिए ये तो हो गया एक्चुअल प्रोसेस जो हमको फॉलो करना है, अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए ये डिसकन्टिन्यूस कहाँ पर हो रहा है, हम कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, जहाँ पर 2 sin x के वैल्यू इंटीजर है। तो 2 sin x के वैल्यू इंटीजर कहाँ कहाँ आ रही हैं, तो 2 sin x की वैल्यू इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, तो इंटीजर वैल्यू आती हैं -2, -1, 0, 1, 2।
तो साइन एक्स कितना आएगा, माइनस वन, माइनस वन बाई टू, जीरो, वन बाई टू एंड वन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स माइनस वन होगा थ्री पाई बाई टू, मतलब इस पॉइंट पर। तो साइन एक्स जहाँ पर मिनिमम है वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। देखिए इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, रिमेनिंग माइनस हाफ हाफ जहाँ जहाँ भी हो रहा है, जहाँ पर टू साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन जीरो और वन टू है, इन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, जहाँ जहाँ, इसको आप यहीं पे देखिए, जहाँ जहाँ टू साइन एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, देखिए चेक कर लीजिए, तो जहाँ पे मिनिमम होता है टू साइन एक्स वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, रिमेनिंग पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। अब साइन एक्स को मैं लिखता हूँ, जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूटी है, तो माइनस हाफ पर है, जीरो पर है, हाफ पर है, वन पर है। तो माइनस हाफ कहाँ पर होगा, तो माइनस हाफ होगा एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। जीरो कहाँ पर होगा, तो देखिए जीरो पर, जीरो पर होगा, पाई पर होगा, टू पाई पर होगा। तो जीरो देखो एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट को मैं कैसे, अभी जीरो पे कंटिन्यूस आ रहा है, ये पाई पर और टू पाई पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है। हाफ पर कहाँ पर होगा, हाफ होगा पाई बाय सिक्स और फाइव पाई बाय सिक्स पर, और वन होगा पाई बाय टू पर। ठीक है, तो ये आ गए कितने, फाइव पॉइंट्स, सेवन पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एक तो माइनस हाफ कहाँ पर होगा, दो पॉइंट पर होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। जीरो होगा पाई और टू पाई पर, और हाफ होगा, हाफ कहाँ पर होगा, तो हाफ होगा सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड वन होगा पाई बाय टू पर। तो हमको एक पॉइंट ध्यान करने वाली बात क्या है, जहाँ पर यदि इंटीजर पार्ट ऑफ जी एक्स है, तो जहाँ पर ये कंटिन्यूस कहाँ पर आ रहा है, इज कंटिन्यूस वेयर जी एक्स इज मिनिमम, जहाँ पर जी एक्स मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है वहाँ पर कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, और एंड पॉइंट पर कैसे हम याद रखेंगे, तो एंड पॉइंट पर ध्यान दीजिए, यदि एंड पॉइंट पर ग्राफ इस तरह से आता है, ये एंड पॉइंट है, यदि ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है जैसे ये, तो यहाँ पर फिर इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। यदि एंड पॉइंट पर ग्राफ नीचे की तरफ आता है, ऐसे आता है या फिर ऐसे आता है, तो यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, और यदि ग्राफ नीचे से ऊपर ऐसे जाता है, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रहा था, तो इन सब पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स में जो बता रहा हूँ, जहाँ पर जी एक्स इज जी ए, इन सभी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस, ये सभी वो पॉइंट्स में मैं मार्क कर रहा हूँ जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू इंटीजर आ रही है। ठीक है, रिमेनिंग पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं उन पॉइंट्स के मार्क बता रहा हूँ जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू इंटीजर आ रही है वहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से, अब इसी प्रॉब्लम को मैं आपको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, और देखिए हम कितने जल्दी से फटाक से हम निकाल लेंगे कहाँ पर इंटीजर पार्ट ऑफ टू साइन एक्स डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब देखिए जल्दी से पहला काम करो, आप टू साइन एक्स का ग्राफ बना लो। टू माइनस टू, और सभी इंटीजर पॉइंट को मार्क करो, और सभी पर हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बना दो।
ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो मैं मार्क करता हूँ एक इस पॉइंट पर, यहाँ यहाँ इस पॉइंट पर, और ये जहाँ जहाँ पे। अच्छा अब ये देखिए एंड पॉइंट पे पहले देख लेते हैं, एंड पॉइंट पे यहाँ पे जीरो पे ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। इस पॉइंट पर देखिए ग्राफ नीचे की नीचे से नीचे की तरफ है, तो ग्राफ यहाँ पे डिसकंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो एंड पॉइंट का काम हो गया। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ले रहा है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो आप रिमेनिंग पॉइंट काउंट कर लीजिए कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, सो दीज आर दी 7 पॉइंट वेयर 2 sin x इज डिसकंटिन्यूस। वो तो ऐसे मिल रही है।